तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मिस्टर वास। तो मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। इस वीडियोस में हम आपको दिखाने वाले एक हैवी मग्गम वर्क जो नया आया हुआ है, और वो बहुत ही हैवी ब्राइडल कलेक्शन में। तो उसका गाइस हम आपको उसका काम दिखाने वाले हैं कि किस तरह से वो तैयार होता है, और उसका फाइनल लुक भी आपको हम बना के बताने वाले हैं। तो गाइस चलते हैं वीडियोज़ की तरफ। वीडियोज़ एंड तक देखिए और कुछ सीखिए। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने ये डिज़ाइन सेलेक्ट करा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और फोटो डिज़ाइन है, ठीक है। तो इसमें हम ये मटेरियल यूज़ करने वाले हैं, ब्लू स्टोन्स हैं, और ये देख सकते हैं आप चैन स्टोन्स हैं। ये मग्गम वर्क में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और ये पोत है, गोल्डन कलर है, डार्क गोल्डन, ठीक है। तो बैक हम बना रहे हैं सबसे पहले इस तरह से, ठीक है। और गैज इसका जो फाइनल लुक है वो इस क्लॉथ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा शानदार है। इसकी सारी जो है वो ब्लू है सारी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये स्लीव्स है। स्लीव्स में दो सेंटर पिकॉक आएंगे, एक लेफ्ट एंड एक राइट, ओके। तो आप देख सकते हैं इसमें भी काम चल रहा है। अब ऊपर की मैं स्लीव्स दिखाता हूँ। तो ऊपर जो स्लीव्स है उसमें इस तरह के ये नक्शी है, ये जिसको काम कर रहे हैं इसको नक्शी बोलते हैं, और ये नक्शी के स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। ये जो गैज आपको वीडियोस में इतनी तेज़ दिखता है, ये असल में बहुत ही स्लो काम होता है इसका, ये इतनी तेज़ नहीं हो पाता है। तो मैं वीडियोस को थोड़ा टाइम लैप्स करके आपको दिखाता हूँ स्पीड बढ़ा के। अगर मैं आपको पूरा वीडियोस बना के दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप समझ सकते हैं मैं आपको थोड़े कट कट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं बैक है ये। इसका जो स्लीव्स है वो ज़्यादा हेवी है बैक के अकॉर्डिंग। बैक तो कम दिखता है, पर स्लीव्स जो होता है वो दोनों साइड से फुल दिखता है। और ये देख सकते हैं फ्रंट है ये गाइस, ठीक है। फ्रंट में कुछ ज़्यादा नहीं, फ्रंट में थोड़ा ही काम रहता है, ठीक है। तो अब स्लीव्स दिखाते हैं आपको। ये स्लीव्स का ऊपर का काम है, ये जर्कन स्टैंड लग रहे हैं, इसमें 14 नंबर जर्कन लगेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से स्टोन्स लगाएंगे। अगर आपको गाइस ये अच्छा लगे तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करके परचेज़ भी कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये बैग जो है, ये बैग रेडी हो चुकी है। तो कितनी ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है, आप देखिए। मैं आपको इसकी स्लीव्स दिखाना चाहूँगा, जो पूरे ब्लाउज़ में मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्लीव्स लगती। और आप काम की क्वालिटी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा नीट है, हाँ कितनी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। तो आप देख सकते हैं, तो ये स्लीव्स है गाइस, देख सकते हैं आप ये स्लीव्स का क्या लुक आ रहा है। ये बनने के बाद इसका मैं आपको बना के भी एक फ़ाइनल लुक दिखाऊंगा। पिकॉक भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये मग्गम वर्क के पिकॉक बिल्कुल कबूतर के जैसे हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, ओके। कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देखिए पास से देखिए। अब ये फ्रंट है गाइस, फ्रंट एक साइड होता है जैसे कि आपको पता होगा, ओके। ये देखिए, तो इसका फाइनल लुक मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो गाइस ये मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली, स्टिचिंग की वीडियोस नहीं दिखाई आपको, पर इसका ये फाइनल लुक है गाइस। ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियोस आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक करिएगा गाइस, मेरे चैनल एसके क्रिएशंस को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं गाइस न्यू वीडियो में, थैंक यू सो मच। तो ओके गाइज, जैसे कि आपने देखा वो ब्लाउज़ तैयार होकर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइज अगर ये आपको ब्लाउज़ पसंद आया तो आप इसे परचेज़ भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइज ऐसी इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय।